कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में धक्का मुक्की का शिकार हुए कांग्रेस के निष्कासित नेता सैनी ने ऊना में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान सैनी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सैनी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ही धक्के मारने में मिशन 2019 सफल नहीं होगा, जबकि सभी को एकजुटता से काम करना होगा। इस दौरान सैनी ने कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष और उनके पिता पूर्व विधायक उपाध्यक्ष रामनाथ शर्मा को भी आड़े हाथों लिया। सैनी ने कहा कि विवेक शर्मा और उनके पिता कांग्रेस में कब आए और कब गए, इससे सारी जनता वाकिफ है। इस दौरान सैनी ने पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रामनाथ शर्मा और जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष लेकर विवेक शर्मा की भाजपा नेताओं के साथ फोटो भी जारी की। 11 अगस्त को ऊना में हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए हंगामे को कांग्रेस के निष्कासित सदस्य संजीव सैनी ने निंदनीय करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी अपने ही लोगों के साथ धक्का करके पार्टी की साख को डुबोना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से ना ही कांग्रेस का मिशन 2019 सफल होगा और ना ही राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। सैनी ने कहा कि 2019 में कांग्रेस को विजय पाने के लिए सभी को एकजुटता से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने कभी कांग्रेस के विरोध में काम नहीं किया, अगर किसी के पास सबूत है तो सामने आए। इस दौरान संजीव सैनी ने कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष विवेक शर्मा और उनके पिता पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रामनाथ शर्मा को भी आड़े हाथों लिया। सैनी ने कहा कि हमें विवेक शर्मा से अपने कांग्रेसी होने का प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। सैनी ने कहा कि जब जब विवेक शर्मा और उनके पिता को कांग्रेस से टिकट नहीं मिला है तो पिता पुत्र ने पार्टी के विरोध में काम किया, जहां तक कि हविक्का में भी शामिल रहे। 11 तारीख को जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और उस कार्यक्रम के दौरान जो कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ धक्का मुक्की हुई वो निंदनीय है, क्योंकि एक तरफ तो हम 2019 में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए प्रयासरत हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी को हम इस देश का प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं, लेकिन जब कांग्रेस के लोग उस प्रोग्राम के अंदर जाते हैं तो उनको धक्के देकर के प्रोग्राम से बाहर निकाला जाता है। ये कांग्रेस पार्टी की संस्कृति नहीं रही है। मुझे समझ नहीं आता कि आज कांग्रेस के अंदर कैसे लोग आ गए हैं जो कांग्रेस के लोगों के साथ ही धक्कामुक्की कर रहे हैं, जबकि आज जरूरत है एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी को 2019 में लोकसभा का चुनाव जिताना है। लेकिन ऐसा ना करके कांग्रेस के लोगों को धक्के देना ये शोभनीय बात नहीं है। और जो लोग आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी के साथ भीतरघात किया है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी के पास भी एक भी सबूत हमारे खिलाफ है तो वो सार्वजनिक तौर पे कहें, जहां पे वो कहें बहस करने के लिए हम उनको चुनौती देते हैं कि वो हमें बताएं कि हमने कहां पे कांग्रेस पार्टी का विरोध किया है। और जहां तक उस मंच से जिला के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं विवेक शर्मा द्वारा ये कहना कि ये NSOI का प्रोग्राम नहीं है, NSOI के लोग यहाँ से बाहर चले जाएं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि विवेक शर्मा जी, हमें कांग्रेस पार्टी का होने का सर्टिफिकेट हमें उनसे लेने की जरूरत नहीं है। उनका परिवार कितना कांग्रेसी रहा है ये ऊना की जनता जानती है, ये कुटहर की जनता जानती है। जब पंडित रामनाथ शर्मा जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो इनको 8500 वोट पड़ा था, जो अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं, और अब विवेक शर्मा जी को 26000 वोट पड़ा। इनको तो धन्यवाद करना चाहिए कुटहर के कांग्रेस के लोगों का, जिन्होंने इनको इतने बड़ा मार्जिन से इनको वोटें डाली। लेकिन आज कुटहर की जनता जो है वो इस खानदान से परेशान हो चुकी है, इस बाप बेटे से परेशान हो चुकी है, और हम यही कहना चाहते हैं कि अगर भविष्य में भी इनको पार्टी ने टिकट दिया तो इनका इससे भी बुरा हश्र होने वाला है।